दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हरियाणा में हर पार्टी का टिकट चाहने वाले नेताओं ने अपने आकाओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, परिक्रमा करनी शुरू कर दी है, चाहे कोई भी पार्टी है। तो दोस्तों, लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि प्रदेश कांग्रेस जो कुछ तय करने जा रही है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर प्रदेश कांग्रेस हाईकमान या दिल्ली में बैठा हाईकमान इन 90 सीटों में किनको टिकट नहीं देगा, किसको टिकट नहीं देगा। आने वाली स्टोरीज में हम ये भी बताएंगे कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा किन 90 उम्मीदवारों की लॉटरी खुलेगी और कौन उम्मीदवार होंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं वो ये है कि प्रदेश कांग्रेस में या प्रदेश कांग्रेस हाईकमान द्वारा या दिल्ली हाईकमान द्वारा हरियाणा की उन 90 सीटों पर इन नेताओं को टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और वो कारण बहुत बड़ा है। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन जो कांग्रेस हाईकमान के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसमें कोई ढील भी हो सकती है, कोई थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास सूचना है वो भी पुख्ता ही है और कांग्रेस के बड़े सूत्रों के माध्यम से है। और वो खबर क्या है, वो सूचना क्या है, वो ये है दोस्तों कि जो नेता पिछले दो चुनावों में अपने अपने विधानसभा चुनावों में हार का सामना कर चुके हैं, यानी दो बार लगातार चुनाव हार चुके हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस हाईकमान उनको टिकट देने नहीं जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, जो हमें कांग्रेस हाईकमान से सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार वो नेता टिकट की लाइन में ना लगें, उसके लिए प्रयास ना करें, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान इन 90 सीटों पर उन उम्मीदवारों को बिल्कुल टिकट नहीं देगा जो दो बार लगातार अपने चुनाव हार चुके हैं। इसलिए और नए मजबूत उम्मीदवारों को कांग्रेस जांच रहा है, परख रहा है, जो लिस्टें उनके पास पहुंचनी शुरू हो गई हैं रिटर्न में या हरियाणा के नेताओं से, हरियाणा हाईकमान से बातचीत करने के बाद, या जो भी हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चुनिंदा नेता हैं, उनसे जो दिल्ली हाईकमान ने बात की है तो उसमें कहते हैं कि ये साफ कह दिया गया है कि जो भी नेता अपना लगातार दो चुनाव पिछले विधानसभा के हार चुके हैं उनको टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अब कहीं कोई इक्का दुक्का किसी कारण कोई ले किसी बड़े हाईकमान नेता के साथ गोटियां फिट करके और किन्हीं और कारणों के चलते तो बात अलग है, लेकिन मोटे तौर पे जो तय हुआ है वो यही है कि दो बार हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। और ये भी जानकारी दी गई
कि लोकसभा चुनावों में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को इसीलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो दो बार लगातार लोकसभा का चुनाव इस सीट से हार चुकी थी, जितना कि मुझे जानकारी है। और ये लगभग जानकारी पुख्ता है 99% कि वो दो चुनाव लगातार बार बार लगातार हारी हैं, इसीलिए उनका टिकट कट गया था। और उसी से नाराज होकर दोनों माँ बेटी यानी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि कांग्रेस हाईकमान किसको टिकट देगा 90 सीटों पर विधानसभा की, उसका जिक्र तो हम अगली स्टोरी में करेंगे, लेकिन किसको टिकट नहीं देगा हरियाणा की विधानसभा सीटों पर, ये हमने आज आपको बताया है। तो आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, तो हमें कमेंट्स करके बताते रहिए, अपना सलाह मशवरा हमें देते रहिए। जहां हम गलती करें आप उन गलतियों को भी बताएं, जिससे कि हम उनमें सुधार कर सकें। हम भी इंसान हैं, हमसे भी कोई चूक हो सकती है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड में, नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।